दुर्गा माई के मंदिर में भीड़ लगल बा भारी, गूंज रहल बा धरती अंबर और भक्तन के जय जयकारी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। और ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है, आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। तो ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस आप लोगों के लिए एक और बेहतर ट्रिक लेकर आ गया है। वो क्या ट्रिक है, क्या है, कैसा है, वो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो आइए वीडियो के टॉपिक्स को पहले जान लेते हैं। तो ये वीडियो का टॉपिक्स है, देखिए क्या है टॉपिक्स, पाठ और लेखक के नाम याद करने की ट्रिक। ये वीडियो जो है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाठ और लेखक के नाम से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पार्ट 1 जो है वीडियो बन चुका है, नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे हिंदी के चैप्टर को याद कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में 24 चैप्टर हैं। 12 गो को पहले ही याद करवा दिए हैं, 12 गो ही बचा था, आज याद कर लीजिए। आइए देखिए, पहला है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब यहीं तक नहीं है, चैप्टर के नाम जो है और बड़ा था, लेकिन हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका अगर हम हिंदी में अपनी भाषा में बताएं, तो राम के बिना जग में जन्म लेना दुख के समान है। ऐसा बात कौन कह सकता है, बताइए आप। कौनो गुरु ही होगा जो आपको ऐसा बात सिखाएगा कि राम के बिना जग में जन्म लेना जो है दुख के समान है, राम नाम के बिना। कौन बताएगा आपको, कोई गुरु ही आपको ऐसा ज्ञान दे सकता है। कौन देगा, गुरु। तो ये चैप्टरवा के राइटर कौन होते है? गुरु नानक। कोई गुरु ही ऐसा ज्ञान देगा, तो इस चैप्टर के राइटर कौन हो गए, गुरु नानक, याद हुआ। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे गुरु नानक याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, एकर कौन है, रस खान में एगो रस आ रहा है, रस। अब एगो सलमान खान के फिल्म आयल था, प्रेम रतन धन पायो, तो हम प्रेम रतन के जगह कहेंगे कि प्रेम रस धन पायो। क्या कह रहे हैं हम, प्रेम रस धन पायो। प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसमें प्रेम आ रहा है आ रस, प्रेम रस धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, याद हो गया कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। कौन लिख ले है, रस खान राइटर नेम, याद हो गया। इतना ऐसा ट्रिक है कि आपको जिंदगी में कहियो नहीं भूल पाइएगा कि कौन चैप्टर के कौन लेखक हैं, समझ गए। और इस वीडियो का टारगेट जो है आपको मालूम होना चाहिए, 100 गो कमेंट और 100 गो लाइक है। और अगर ये टारगेट आप नहीं पुराना चाहते हैं, तो इसके बाद कोई वीडियो इस चैनल पे नहीं आएगा, क्योंकि ये चैनल जो है जीके जीएस के लिए बनाया गया था, आपके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो टारगेट को पूरा कीजिए, और नहीं तो अब से कोई वीडियो नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि अति सुधो स्नेह को मारग है, अति सुधो स्नेह को मारग है। स्नेह मतलब प्यार को जो है, मारग मतलब मारता है। अब देखिए इसके राइटर हैं घनानंद में आनंद आ रहा है, आनंद, समझ गए, आनंद। अब मारने में किसी को कैसा आनंद आता है कि नहीं, हम तो क्लास में मारते हैं तो हमको आनंद आता है, काशी में आनंद आता है मारने में, आनंद घनानंद। अति सुधो स्नेह को मारक है, यानी कि ज़्यादा सीधा आदमी जो है स्नेह से मारता है, ज़्यादा सीधा आदमी स्नेह से मारता है तो उसको क्या आता है, आनंद आता है। हम तो मारते हैं तो आनंद आता है, यानी कि मारने पे आनंद आता है। तो मारक देखिएगा चैप्टर के नेम में,
आनंद रिलेट कीजिएगा, घनानंद पे टिक मार के चलाइएगा, याद हुआ। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है स्वदेशी के कौन है राइटर, एकर नाम है प्रेम घन। अब सामान दो तरह के होता है, एगो होता है देसी आ एगो होता है विदेशी, एगो होता है देसी आ एगो होता है विदेशी। विदेशी जैसे कि चाइनीज सामान, तो चाइनीज सामान से हम लोग प्रेम करेंगे, बताइए तो चाइनीज सामान से प्रेम करेंगे नहीं ना, अपने देश में बनने वाले चीज से हम लोग प्रेम करेंगे। अपन देश में जो चीज़ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वदेशी कहते हैं। अपने देश में बनने वाले चीज़ को स्वदेशी कहते हैं। अब स्वदेशी से हम लोग क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, विदेशी से थोड़ी करेंगे, स्वदेशी से प्रेम करेंगे, प्रेम करेंगे। यानी स्वदेशी के राइटर कौन हो गए, प्रेम घन। याद करे वाला है, रटे वाला है ये सब। आप खाली एक बार वीडियो मेरा देखिए, पूरा राइटर नेम याद। आप लोगों का अगर कमेंट रहा, मेरा टारगेट पूर गया, तो इसके राइटर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन टारगेट तो पहले पूरा, ये ऐसा ट्रिक होगा कि आपको कहे नहीं, भूल नहीं पाइएगा। उसके बाद जो है आप कहिएगा तो संस्कृत के बना देंगे, SST के बना देंगे, इंग्लिश के बना देंगे। आप लोग टारगेट तो पूरा ही है। नेक्स्ट है कि भारत माता के राइटर कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। याद कीजिए, याद, भरत, भरत के कर भाई थे राम के, भरत के कर भाई थे राम के। भरते के नाम पे क्या रखा गया, भारत रखा गया नाम, तब भारत माता, तब भारत के माता के नाम का था सुमित्रा। याद करे ला खाली बता रहे हैं, भारत, भरत के माता के नाम का था सुमित्रा, भरत के माता के नाम का था सुमित्रा। यानी भारत माता के राइटर कौन हो गए, सुमित्रा नंद पंत। याद हुआ, भरत के माता, भरत कौन था, तो राम जी के भाई था, याद है। अब हो गया याद। अब देखिए, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, अजा दिनकर, दिनकर जन्म, जन्म, जन्म। अब कोई जन्म ले ले है, जनतंत्र जन्म लिया है, तो कब लिया है, दिन में कि रात में, अजा का लिखल है, दिनकर, यानी दिन में जन्म लेता है सब। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रात में नहीं लेता है सब जन्म, रातों में जन्म लेता है सब, लेकिन याद कहाँ करे है, या दिन में जन्म जो है कब लेता है आदमी, दिन में लेता है। यानी कि जनतंत्र के जन्म, जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन हो गए, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। याद हुआ, याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, हिरोशिमा, हिरोशिमा के लेखक कौन है, सौ ही वात से यान अगे। अब पूछिएगा कि सौ के मतलब क्या है सर, ही के मतलब क्या है, तो सौ के मतलब है सच्चिदानंद, आ ही के मतलब है हीरानंद, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे पूरा नाम हो गया, समझ गए। अब ये जो है हिरोशिमा के लिखे थे, तो अब हिंदी आप पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं पढ़ रहे होंगे कोचिंगों क्लास, तो जब पे SST भी पढ़ाया जाता होगा, तो SST में यहू पढ़ावल गई होगा कि हिरोशिमा पे बम फेंकल गई था, फेंकल गई था, तो हिरोशिमा पे बम फेंकल गई था, तो यहू बतावल गई होगा कि कैसे बम फेंकल गई था, वायुयान से बम फेंकल गई था, यानी जहाज से, यान वात्स्यायन, वायुयान से बम फेंकल गई था कहाँ, हिरोशिमा पर। तो हिरोशिमा के लेखक कौन हो गए, यान वात्स्यायन हो गया, हिरोशिमा के लेखक यान वात्स्यायन, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, याद हो गया, ऐसा ट्रिक है, समझ गए। अब देखिए, एक वृक्ष की हत्या कौन, कुंवर नारायण सिंह, कुंवर नारायण सिंह। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, दूगो वृक्ष था, क्या था, दूगो वृक्ष था, समझ गए, तो एगो वृक्ष के जो है शादी हो गया, दूगो वृक्ष था, वृक्ष मतलब पेड़, तो एगो वृक्ष के शादी हो गया, आ एगो जो है कुंवारे रह गया, कुंवर, एगो वृक्ष जो है कुंवार रह गया, तो कुंवार वाला क्या कहेगा कि एगो के शादी कर ले ले, एगो के ने हत्या कर लिया, यानी एक वृक्ष का हत्या हो गया, काहेला, कुंवारे रह गया था, कुंवर नारायण, एगो वृक्ष हत्या कर लिया, काहेला,
कुंवरे रह गया था कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या के राइटर कुंवर नारायण, या दुआ समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारी नींद के कौन है राइटर, बीरेन डंगवाल, यादवा कैसे करेंगे आइए। हमारी नींद, जब हम लोगों को नींद आता है नींद, तो एकदम टप से ना आएगा मच्छरवा घूम के आ डंक मारेगा। काची मारता है डंके नहीं मारता है मच्छरवा, मच्छरवा काटता है तो डंके मारता है, डंग डंग डंग। हमारी नींद, हमारी नींद में कौन डंग मारता है, मच्छर डंग मारता है, मच्छर हमारी नींद में डंग मारता है, डंग। यानी कि हमारी नींद के लेखक कौन हो गए, डंगवाल, बीरेन डंगवाल, याद हो गया, समझ गए कैसन ट्रिक बनावल है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, तो अनामिका। अब बताइए अक्षर के बारे में ज्ञान लीजिएगा तो पहले अ आई ने पढ़िएगा जी, तो ये अ है कि नहीं है, पहले अ आई पढ़ावल जाता है फिर क ख ग पढ़ावल जाता है। तो अक्षर ज्ञान अ से हम लोग पढ़ेला स्टार्ट करते हैं, यानी अनामिका, यानी ऐसे भी याद कर सकते हैं अ से अक्षर ज्ञान आ अ से अनामिका, याद हुआ। इन्हें याद होगा तो ज़िंदगी में घूमते रह जाइएगा, और कहीं एक से सिंपल ट्रिक नहीं मिलेगा, समझ गए। अब नेक्स्ट है लौट कर आऊँगा फिर, ये कौन लिख ले है, जीवनानंद दास, जीवनानंद दास का लिख ले है चैप्टरवा के नमवा देखिए, लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर, जिंदा रहब तब ने लौट के अब आए, लौट कर आऊँगा फिर, जीवन रहेगा तब ने लौट के आइएगा, खाली कह दिए लौट के आएंगे फिर, जीवन तो पहले रह दीजिए मरा जाइएगा कौन ठीक है, तो जीवन रहेगा तब ने लौट के आइएगा, यानी कि लौट कर आएंगे के लेखक कौन हो गया, जीवनानंद दास, याद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल के जो है का है राइटर हैं, किस कौन से चैप्टर के, मेरे बिना तुम प्रभु, याद कैसे करेंगे, तो कह रहा है कोई कि मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा मारिया, मेरे बिना तुम प्रभु जो है मारा जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा मारिया, रेनर मारिया, रेनर मारिया, मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा रेनर मारिया, याद हो गया। अब याद हो गया तो अपन दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी जो है मैट्रिकों में कम से कम 60 प्लस अंक ला सके, समझ गए। और इस वीडियो का टारगेट पूरा कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब विषय पे जो है हम ट्रिक बना सकें, आपको बढ़िया से पढ़ा सकें। और नहीं तो आप अगर कमेंट अगर 20 लोगों का आ गया कि नया चैनल बनाइए दसवा के लिए, तो नया चैनल को बना देवल जाएगा, समझ गए, जिस पे हर एक विषय ट्रिक से पढ़ावल जाएगा। और 3 महीना में आप लोगों का 80% मार्क्स का गारंटी जो है हम लेते हैं, समझ गए हम लेते हैं। तो यहाँ तक अब वीडियो को आप पसंद किए हैं तो लाइको कर दीजिएगा, और यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे तरफ से वीडियो देखने के लिए थैंक यू।